हेलो करने सीख लिया आपने? ओ तेरी, इतना क्यूट बच्चा है। तो अभी बज गए हैं शाम के 6 और हम जा रहे हैं घर वापस। आज मैं लेट हो गई क्योंकि काम बहुत सारा था, तो फिर मैंने सोचा चलो टाइम पे ही निकलते हैं, काम कर लेती हूँ। मैं बहुत सारा काम होता है एक्चुअल में शाम को। बस अभी जा रही हूँ घर। ये बस स्टैंड पे मिस्टर खा रहे हैं चुन चुन के खाना। भाई कितना क्यूट लग रहा है, बस मेरा फोन ना छीन ले। मटर अच्छी लग रही है शायद इसको, वहां से उतर गया है जाली से जहाँ पे वो इसका दोस्त बैठा हुआ है, वहां से फटाफट आया और अब खा रहे हैं यहाँ पे चुन चुन के मटर। आ गया इसका दोस्त भी। और उसका केला छीन के ले गया, कितना चंट है वो बेचारा, मटर ही खाता रह गया सरी। एज यूजुअल मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन, दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे मेट्रो भी आ गई है, अपनी नहीं आई है अभी तक, बस वेट कर रहे हैं। हवा चल रही है एकदम ठंडी ठंडी, आज सुबह पता नहीं किस बात का फॉग था, ठंड भी नहीं थी इतनी ज़्यादा लेकिन फॉग इतना ज़्यादा था, और वो दिल्ली फरीदाबाद यूपी हर जगह था। मतलब जो लोग ऑफिस अपने व्हीकल से आए थे ना, वो तो 20 की स्पीड पे लेकर आए थे, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था। बाकी स्मोक भी हो सकता है फॉग और पॉल्यूशन का मिक्स वाला, बट जो भी है वो उतनी ठंड है नहीं, बस थोड़ी बहुत हवाएं चल रही हैं एंड सब कुछ ओपन भी हो गया। वैसे अच्छा हो गया मेरे लिए, तो घूमने को भी मिलेगा थोड़ा सा वीकेंड्स पे। लेकिन एक बात भी हो गई वीकेंड्स पे, अब घूमेंगे कहाँ से जब वीकेंड्स पे ऑफिस ही जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं। और वैसे आज मुझे घर जाके एक आर्टवर्क बनाना है, तो मैं जाऊँगी फटाफट जल्दी से घर और चेंज वेंज करके फिर उसके बाद आर्टवर्क बनाने बैठूँगी, क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा। तो कल भी ऑफिस आना है, तो टाइम पे सोना भी है, एडिटिंग भी करनी है, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क एंड शीन को भी खिलाना है। तो बस चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। मैं आ गई हूँ घर, अभी बज रहे हैं 7 और मम्मा बैठी है यहाँ पे, श्रीन सो गई है। मम्मा रोज श्रीन को सुला देती है, जब मैं आती हूँ ना श्रीन मुझे सोती हुई ही मिलती है, तो बेचारी फिर सो के ऐसे उठती है, फिर देखती है सपना तो नहीं देखा मैंने, मम्मा मम्मा आप इसलिए सुलाते हैं, तुम चाय बनाओ ना अच्छी सी फटाफट जल्दी। अभी बनाते बिल्कुल चाय बनाएंगे आज। कौन कौन पिएगा लाइन में आओ। श्रीन जगी रही तो तुम श्रीन को ले लो। चाय बनाती हूँ, आप पियोगी? मम्मा पियोगी? मैं तो बैठू ना, मैं एक्चुअली में चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, इसीलिए तो सिरिंज चला रखी मैंने। सुनो बताओ मत किसी को, वो ऑफिस में ना लोग खाना मांगते हैं मेरे को, कह रहे हैं जो पिज्जा तुमने उस दिन बनाया था ना वो, मैम आप पिज्जा कब लेकर आओगी? मैंने कहा यार मैंने उन्हें बोला कि ना वो ऑफिस लेकर आऊंगी तो वैसा हो जाएगा, थोड़ा वैसा सा मतलब मुलायम सॉफ्ट हो जाएगा, हाँ थोड़ा वैसा सा हो जाएगा। तो पता है क्या कहती है कन्नू, कहती नहीं कोई बात नहीं मैम, मेरे पास ना एक लंच बॉक्स है जिसमें गर्म हो जाता है, आप ना अनबेक मतलब बेक बिना किए हुए ले आना, सारी टॉपिंग्स एंड ऑल डाल के मैं यहाँ पे बेक कर लूंगी। ले आना। हाँ और तो उसकी बातें फिर कोई और भी सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि ज्यादा अच्छा पिज्जा बनाते हो क्या? नहीं ज्यादा अच्छा पिज्जा बनाते हो क्या? तो उन्होंने बोला अरे रुचि तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो फिर सबने बोल दिया कब खिला रही है? मैंने कहा यार एक छोटा बच्चा है मेरा, टाइम मिलता नहीं है मुझे, मम्मी बनाती है शाम को खाना भी। ये रात को तो रात के तो मैं खिचड़ी सब्जी ले लेके और ऊपर से सुनो तो मैं सोचती हूँ मम्मी ने खाना बना रखा होगा, जाऊं जल्दी से खा लूं, और यहाँ लोग मुझसे मांग रहे हैं खाना बना के ले आ। फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आओ कभी हमारी हवेली पे फिर खिलाएंगे। हाँ तभी खिलाएंगे। और क्या गरम गरम हम बासी खाना खाने में ऐसे नहीं खिलाते। स्वास में धूप निकली आज, अच्छी धूप निकली है 11 बजे के बाद। अच्छा पता है आज बहुत फॉग हो रहा था दिन में, सुबह गई ऑफिस गई ना मैं मेट्रो के बाहर, ऐसे मन तो कर रहा था यही व्लॉगिंग कर लूं, ऊपर मेट्रो में अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने नहीं बनाया। 11 बजे के बाद धूप निकली और 11 बजे से पहले बारात आई थी, बहुत अच्छी वाली बारात आई थी।
अच्छा बंदरों की बारात। अच्छा बंदरों की बारात। और हमारे पड़ोसन बता रही तो यहाँ विंडो से देख रही थी, नीचे से केला खा रहे थे तो केला ले रहे, फिर ये बात कर रही थी अच्छा किसी और से, कह रही भाभी जी आज पता है क्या हुआ? हाँ बताओ क्या हुआ। मैं मटर लेके ऊपर छीनने के लिए बैठी, मैंने 50 रुपए की 2 किलो मटर ली, सस्ती कर दी होगी। पूरी सस्ती कर दी उन्होंने। तो बंदर आया पूरी 2 किलो की थैली उठा के लेके चला गया, ईट मारी तो वो किसी और के जाके किसी और के लग गई, लड़ाई और चला गया। बंदर मटर बहुत खाते हैं। आज मैंने जब मैं वापस आ रही थी ना ऑफिस से, तो बस स्टैंड पे तब जब तक ना बस आई थी ना तो ऑटो आया था, तो मैं वहीं खड़ी थी, तो वहां पे एक बंदर मटर पड़ी हुई थी, उनको छिल छिल के खा रहा। ऑटो वाले अंकल ने केला फेंका, केला नहीं खाया उसने, दूसरा बंदर आया चुपचाप केला लेके चला गया। इधर वाले पड़ोसी तो केला फेंक रहे। मैं तो यहीं से देख रही, गेट नहीं खोला अपने, यहाँ तक थे अंदर तक थे आज तो अंदर तक थे। हाँ वीडियो बना लेती श्रीन की वजह से गेट नहीं खोला, वीडियो बनाने के लिए मैं खोलू मेरी वीडियो, फोन भी छीन के ले जाते हैं। चलो गाइज मैं बना लेती हूँ अभी चाय, क्योंकि मम्मा का बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। मम्मा का क्या, मम्मा ज्यादा तो मेरा मन कर रहा, पूरे रास्ते सोचती हुई आ रही थी मस्त चाय पीऊंगी। चाय बनाते हैं अच्छी सी, पीते हैं। कभी आप लोग मेरे घर आओ, कोई भी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो भी मेरे फैमिली फ्रेंड जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कभी भी आप लोगों को मौका मिले आप मेरे हाथ की चाय जरूर पी कर जाना, मस्त चाय बनाती हूँ। मेरे पति जो चाय नहीं पीते कभी भी, मैं उन्हें भी चाय पिला देती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे पति नहीं पति के भी पापा, पति के भी पापा। एक दिन पता क्या हुआ, पापा कभी चाय नहीं पीते, मेरे फादर इन लॉ कभी चाय नहीं पीते, वो मींस लाइक उनको नहीं अच्छी लगती, अपना अपना टेस्ट होता है तो नहीं पीते थे। जब वो बीमार हो गए थे, बुखार या कुछ कोल्ड वोल्ड हो गया था, मैंने उन्हें भी, मैं मसाला चाय बनाती हूँ एक्चुअल में घर में ही सब कुछ डाल डूल के, तो मैंने उन्हें बोला, कहते हैं क्या है, मैंने कहा काढ़ा टाइप्स है, मतलब लाइक चाय ही है बट काढ़े की तरह है। कहते हैं ठीक है दे दो। 3 दिन चाय पी उन्होंने फिर, और अच्छी लगी, बट उसके बाद अब दोबारा नहीं पीते, बट पी ली थी। तो बनाती हूँ अभी चाय, बना लेती हूँ फटाफट, फिर नहीं तो डिनर का टाइम हो जाएगा और श्रीन उठ गई तो फिर वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ जी, एंड चेंज वेंज करके एक्चुअल में मुझे एक आर्टवर्क भी बनाना है, तो जल्दी जल्दी काम खत्म करती हूँ। चुके हैं हम लोग और आज श्री ने नई एक्टिविटी सीखी है। वैसे तो वो बहुत सारी नई नई चीजें करती रहती है, बट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैं कैप्चर करती रहती हूँ और व्लॉग में फिर दिखा भी देती हूँ वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड लेट मी शो यू आज उसने क्या सीखा है। फैलना भी सीख गई हो तो मैं शीन खेल रही हूँ। हेलो करना सीख लिया आपने, इतना क्यूट बच्चा है। शीन बहुत ही क्विक लर्नर है, जब भी उसको कुछ सिखाओ ना बहुत जल्दी से ग्रेस्प कर लेती है चीजों को। एंड इवन अगर आप नहीं सिखा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो तो वो देख रही है अगर, तो वो भी बहुत जल्दी सीख जाती है। अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं ना या फिर कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत ध्यान से ऐसे देखती है जैसे इसे सब समझ में आ रहा है और बस आप लोग जो बातें कर रहे हो उसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही सुनाने वाली है। बहुत क्यूट है, बहुत मजा आता है उसके साथ। अभी बस डिनर कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। डिनर करते करते बज गए हैं 10:30, टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत विंटर्स में, तो वही पहले जाओ, मतलब लाइक ठंड लगती है तो पानी छूने में भी ठंडा ठंडा लगता है। अभी सब हो चुका है, दूध वूध भी पी लिया है, अब बस मेरे को एक्चुअल में आर्टवर्क बनाना था जो नहीं बन पाया आज, टाइम ही नहीं मिला, और अब कल मेरे को फिर से ऑफिस जाना है तो अब रात में भी नहीं बना सकती। अगर कल छुट्टी होती तो शायद अभी बैठ के बना लेती रात रात में 1-2 बजे, फिर थोड़ी देर एक्स्ट्रा सो लेते सुबह, बट क्योंकि सुबह भी फिर टाइम पे जाना है तो अभी नहीं हो पाएगा, कल बनाती हूँ उसको मैं। और अभी बस मैं कर लेती हूँ एडिटिंग क्योंकि उसके बाद सोना भी है और थोड़ी देर शीन के साथ भी मस्ती कर लेंगे। तो बस अपना ध्यान रखो, गुड नाइट।